अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ अलीएक्सप्रेस न्यू यूज़र डील को आप लोग कैसे अवेल कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम कैसे अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी रीज़न की वजह से एरर आ रहा है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं। तो इन सब का सोल्यूशन जो है आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करूंगा। आपने स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस देखने हैं। कोई भी स्टेप जो है, कोई भी एक्सटेंशन अगर मिस कर देते हैं तो आपके ऑर्डर जो है वो नहीं लगेंगे। तो बिना देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेथड जो है फिलहाल पीसी के लिए है, मोबाइल के लिए जो मेथड है वो अलहदा से मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, पीसी में अपने क्रोम ब्राउजर, सेंट ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आप यूज़ करते हैं उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है आपने ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट साइन इन, इसको कोई भी नेम दे दें, ठीक है, और डन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना। अब ये हमारे पास एक न्यू विंडो जो है ओपन आ गई, ओपन हो गई। उसके बाद सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट है या नहीं है। उसके लिए आपने war.net वेबसाइट है उस पर चल जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक लिस्ट और यहाँ पर नो आ रहा है। अगर यहाँ पर यस आ रहा है, अगर आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी आईपी को जो है ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले वेब आरटीसी कंट्रोल के नाम से एक एक्सटेंशन है, उसको जो है क्रोम में ऐड कर लेना है। इस एक्सटेंशन को आपने क्रोम में ऐड कर लेना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने एक और एक्सटेंशन है, कोई भी आप वीपीएन जो है ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ब्राउजर क्विपिन को यूज कर रहा हूँ। अगर आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट है तभी आप लोगों ने जो है सबसे पहले ब्लैक लिस्ट से रिमूव करना है, उसके बाद वीपीएन से ट्राई करना है। अदरवाइज अगर ब्लैक लिस्ट नहीं है तो आपका डायरेक्ट जो है ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आ जाना है और इन दोनों एक्सटेंशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद ब्राउजर वीपीएन पे क्लिक करना है, स्टार्ट वीपीएन पे क्लिक करना है और नैदरलैंड ही आप लोगों ने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ तक स्टेप करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जो है AliExpress.com पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद जो है सबसे मेन जो रीज़न है आपके अकाउंट डिसेबल होने का कि आप टेम्प मेल यूज़ करने हैं, यहाँ पर आप लोगों ने रजिस्टर पर क्लिक करना है। और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद एक न्यू और फ्रेश जीमेल बनानी है नंबर के थ्रू। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू विद जीमेल कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने एक न्यू जीमेल क्रिएट करनी है, ठीक है। जी मेल क्रिएट करते हुए आप लोगों ने जो है वीपीएन को ऑफ कर देना है। वीपीएन को ऑफ कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आप लोगों ने क्या करना है, नंबर दे देना है। अगर आपसे नंबर मांगता है, अगर डायरेक्ट अकाउंट बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नंबर मांगता है तो आप लोगों ने यहाँ पर नंबर दे देना है या फिर नंबर वेरीफाइड जीमेल बाय कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है मुझे कोड आ गया, मैं नंबर को वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह देकर जो है रैंडम से आपने अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। यहाँ से स्केप करना है और यहाँ से आई एग्री कर देना है। अब ये हमारा अकाउंट भी क्रिएट हो गया है, जीमेल भी और अली एक्सप्रेस का अकाउंट भी हमारा क्रिएट हो गया। और अब हमें जो है ये रीडायरेक्ट कर रहा है अली एक्सप्रेस के ऊपर। यहाँ पर जब सब स्टेप पूरे हो जाएं तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जो है आपने कंट्री को पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वेलकम डील्स भी आ रही हैं और नीचे सुपर डील्स भी आ रही हैं। सुपर डील्स पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं 159, 139, 484, यहाँ पर जो भी आपके प्रोडक्ट जो है आपको अपनी चॉइस की चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल जो है इसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। 139 रुपीज़ में मिल रहा है और फ्री शिपिंग के साथ। इसको आप लोगों ने क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक कर देना है। अभी जो है यहाँ से रियल ट्रिक शुरू होगी। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है अपने वीपीएन को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एड्रेस एंटर करना है अपना,
अब यहाँ पर क्या करना है, अपने एड्रेस के बाद जो है हर टाइम जब भी आप कोई ऑर्डर करें, अपने एड्रेस के बाद डॉट 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 3 बार लगा देना या 2 बार, ताकि जो है ये एड्रेस पहले से मैच ना हो सके। इसी तरह आपने अपने नेम को भी चेंज कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मोहम्मद वलीद सिर्फ आर लिखा हुआ है इसके आगे, क्योंकि जो देने वाला होगा कुरियर वाला उसको समझ आ जाएगी मोहम्मद वलीद के नाम से है, तो जस्ट मैंने आर आगे लगाया ताकि जो है ये नेम डिफरेंट आ सके। इसके बाद हमने जो है कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने जो है पेमेंट मेथड अभी सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान से रखनी है कि अपने जो भी कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने बैलेंस नहीं ऐड करना, तो बैलेंस ऐड नहीं करना। दूसरा ये कि अगर एक टाइम आपने एक दिन में एक कार्ड यूज़ किया, उसको नेक्स्ट एक दिन तक आपने यूज़ नहीं करना। आपको सादा पे 2 VCC देता है, नया पे 2 VCC देता है। इसी तरह आप जो है 2-3 सादा पे के अकाउंट्स बना लें, 2-3 नया पे के अकाउंट्स बना लें, तो डेली 2 कार्ड से आप 2 ऑर्डर कर सकते हैं इस तरह। और आपका आईडी कार्ड भी ब्लैक लिस्ट नहीं होगा, आपकी आईपी भी ब्लैक लिस्ट नहीं होगी, और आप जो है इजीली ऑर्डर कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं अपने कार्ड का जो है नंबर इंटर कर देता हूँ, जिस कार्ड में मेरे पास अभी बैलेंस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स ऐड कर ली हैं। डिटेल्स में कुछ जो है मंथ मैंने जो है गलत इंटर कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर मेरा अनपेड पे जाए, क्योंकि इस कार्ड में ऑलरेडी बैलेंस मौजूद है। लेकिन आप लोगों ने जो है बैलेंस नहीं रखना मेरे पास, क्योंकि इंपॉर्टेंट था बैलेंस होना, तो इसी वजह से जो है मैं इसके मंथ जो है वो मैंने रॉन्ग इंटर कर दिया। तो दूसरी चीज़ ये कि आपने सेव कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर स्किप कर देना है। उसके बाद जो है अगेन यहाँ पर नेदरलैंड पर क्लिक करना है और अपने VPN को ऑफ कर लेना है, और पिन ऑफ पर डायरेक्ट आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही VPN ऑफ करेंगे पिन ऑफ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने स्लाइड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। और ये जो है हमें ले गया है कि हमने अपना कोड एंटर करना है, तो यहाँ पर जो है मैं कोड एंटर कर देता हूँ, मुझे कोड रिसीव हो चुका है। कंफर्म, ठीक है। अब हमारी पेमेंट फेल्ड हो गई है, क्योंकि हमारे कार्ड में बैलेंस नहीं था, या फिर हमने अपनी कार्ड की डिटेल गलत दी हुई थी। अब हमने क्या करना है, होम पर क्लिक कर देना है। होम पर जैसे ही क्लिक करेंगे, होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑर्डर्स पर क्लिक कर देना है। ऑर्डर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो देख सकते हैं अनपेड, अनपेड में हमारा ऑर्डर जो है चला गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली पेन ऑफ पर क्लिक करना है। पेन ऑफ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड न्यू कार्ड पर जो है आपने जो आपकी रियल डिटेल्स होगी कार्ड की, आपने वो इंटर करनी है। अगेन सेव कार्ड को आपने स्किप कर देना और पेन ऑफ पर क्लिक कर देना है, तो आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये जैसे कि देख सकते हैं मैंने अपना रियल कार्ड लगाया, तो मेरी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, विदाउट अकाउंट डिसेबल, विदाउट सिक्योरिटी कंसर्न। और यहाँ पर जो है चेक माई ऑर्डर पर मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट बीइंग वेरीफाइड, और वही ऑर्डर है जो मैंने आप लोगों के सामने सेलेक्ट किया था। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर स्टिल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं अली एक्सप्रेस से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।